हेलो बच्चों, मेरा नाम रितु मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी वंदन क्लास 8 चैप्टर 3 का नाम है नियाग्रा की मतवाली। तो बेटा, आपने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स पढ़े हुए हैं, यानी पैराग्राफ। तो आइए हम चलते हैं आगे के पैराग्राफ को रीड करते हैं, जिसको बालकृष्ण ने लिखा हुआ है। ठीक है, नियाग्रा के मतवाले। नियाग्रा के मतवाले शीर्षक को बालकृष्ण जी ने ही राइट किया है। तो ये यहाँ पे, तो बेटा आप देख रहे हैं कि जबकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यानी पेज नंबर 18 और 19 के आपने रीड कर चुके हैं, और पेज नंबर 20 को रीड करना है। तो आइए हम रीड करते हैं। हमारे जो ब्लोंडीन थे, ये रस्से पे चल करके अपने जीवन को जोखिम में डाल करके, यानी मृत्यु के सया पे, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि लेट करके, यानी ये सोच लीजिए कि वो अपनी जीवन को मृत्यु को सौंप चुके हैं। तो जब कोई व्यक्ति इस काम के लिए तैयार न हुआ, तो उसने विज्ञापन दिया कि जो व्यक्ति इस काम के लिए अपनी सेवाएं देगा, उसे फीस के रूप में $1500 दिए जाएंगे। इस बार 3 आदमी तैयार हुए और ब्लोंडीन ने तीनों को ही सेवाएं प्राप्त कर ली। यानी इस कार्य को पाने के लिए ब्लोंडीन ने 3 आदमी को तैयार किए और ब्लोंडीन ने तीनों आदमियों को सेवाएं प्राप्त कर दी। कर्तव्य दिखाने का दिन आया। नियाग्रा जलप्रपात के किनारे 30,00,000 दर्शक एकत्र हो गए। बेटा, छोटा ऑटा दर्शक में आप एक किसी भी स्टेज पे जाते हो, देखते हो बहुत सारे भीड़ से होते हैं, लेकिन 30,00,000 लोग कुछ कहे जाते हैं, क्योंकि संख्या को एक एक बढ़ा करके 30,00,000 बनता है। 30,00,000 बहुत छोटा नहीं होता है। अन्य देशों के बड़े बड़े आदमी भी सम्मिलित थे। भीड़ बड़ी उत्सुकता से निश्चित समय की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु ब्लोंडीन एक संकट में फंस गया था। वे तीनों आदमी जिनकी सेवाएं उसे प्राप्त की थी, साहस छोड़ बैठे। उन्होंने उसकी पीठ पर चढ़ने से साफ इनकार कर दिया। उस दिन ब्लोंडीन ने, ये देख रहे बेटा आप, ये पिक्चर से है, और ये है हमारे जीन ब्लोंडीन जी, जिनके साथ ऐसा हो रहा है। उस दिन ब्लोंडीन को असफलता का मुख देख कर पड़ता, यदि उसका सहायक हैरी कोल्ड कार्ड पीठ पर चढ़ने के लिए तैयार न होता। यानी उनका एक मित्र है जिसका नाम है कोल कार्ड, ठीक, हैरी कोल कार्ड। ठीक समय पर जिन ब्लोंडीन एक सिरे पर दृष्टिगोचर हुआ, वह रस्से पर चढ़ गया। उसका सहायक उसका शरीर साथ बंधी हुई और दोनों ओर लटकती हुई रवाबों पे पैर डालकर और कमर के गिर्द बंधी हुई चमड़े की पकड़ कर उसकी पीठ पर सवार हो गया। एक बार फिर नियाग्रा के किनारे तालियों के शोर से गूंज उठे। ब्लोंडीन अपने सहायक को पीठ पर लादी तेजी रस्से पर चलने लगा, परंतु वह कोई 200 फीट ही चला होगा कि उसकी जो शक्ति थी वह जवाब दे गई। बेटा देखिए क्या होता, हमारे अंदर जो एक शक्ति होता है, कार्य को हम करते हैं बिना शक्ति का नहीं कर पाते हैं। हमें सबके कार्य को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। जब शक्ति जो होता है जवाब दे देता है, तो हम किसी भी कार्य को पूर्ण करने में असफल हो जाते हैं। ब्लोंडीन का शरीर कांपने लगा। वह चिल्लाए, हैरी, या तो पीठ पर से स्वयं उतर जाओ, वरना मैं जलप्रपात में कूदता हूँ। यह चाल चल गई। हैरी ने अपनी खैर इसी में समझी, वह उतर जाए। हैरी रस्से पर उतर आया। दर्शकों की जान में जान आई। थोड़ा ठहर कर ब्लोंडीन ने पुनः अपने सहायक को पीठ पर चढ़ाया और चलने लगा, परंतु लगभग 100 फीट चल कर वह फिर थक गया। इस बार उसका सहायक स्वयं पीठ से उतर गया। कुछ समय पश्चात ब्लोंडीन फिर और चला। इस बार वह जलप्रपात के मध्य तक पहुंचा। उसी समय उसे नीचे धारा में जाता हुआ स्टीमर दिखाई दिया, जिसमें दर्शक भरे हुए थे। उसने अपना टोप उतार कर हाथ में ले लिया और चिल्लाकर स्टीमर वालों से कहा, कोई निशानेबाज हो तो रिवाल्वर से मेरे टोप को निशाना बनाए। इस बहुत से दर्शक चीख उठे, नहीं नहीं नहीं, बस करो, अपनी जान जोखिम में मत डालो, गोली में तुम्हें चोट पहुँच सकती है या संतुलन बिगड़ सकता है। परंतु उसने उनकी कोई परवाह न की। नीचे स्टीमर से एक गोली आई, उसके पास से निकल गई।
टोप पर निशान आने लगा। ब्रोनी ने दोबारा निशान लगाने को कहा, इस पर टोप छिद गया। अपने छिदे हुए टोप को हिलाकर दर्शकों का अभिनंदन करता हुआ वह शेष सफर तय करने लगा, परंतु अचानक ही खतरे में पड़ गया। रस्सा सहसा जोर जोर से हिलने लगा। किसी ने रस्से को तान कर रखने वाली सहायक रस्सी को काट दिया और ब्रोनी डगमगा गया। डूबते हुए की भांति वह बड़े जोर जोर से बांस को हिला हिला कर अपना संतुलन कायम रखने की चेष्टा करने लगा। दूसरी सहायक रस्सी तक पहुंचने के लिए जिसने जिस साहस परिश्रम और कुशलता का परिचय दिया उसको शब्दों में बताना असंभव है। बेटा व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वो छोटे नहीं होते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि लकड़ी का जो गट्ठर होता है वह एक एक लकड़ियों को मिला करके तब वह गट्ठर बनता है। ऐसा नहीं कि आप दो चार लकड़ी रख दो उसको गट्ठर बोले जाएंगे। बेटा उसको गट्ठर नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि जब जहाँ पे समूह नहीं रहेगा उसे हम नहीं कह सकते गट्ठर। तो जिन ब्रोनी ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों को साहस दृढ़ निश्चय अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए एक सीख दिया है, जिसको बाघ जी ने बड़े ही अच्छे और बड़े ही निर्मल शब्दों में व्यक्त किया।